इंदौर विधानसभा एक के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने सुश्री जया किशोरी के मुखारविंद से होने वाली कथा की अनुमति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई, साथ ही कहा कि शहर की जनता सब जानती है, श्रीमद् भागवत को कौन रुकवाना चाहता है। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले इंदौर विधानसभा एक के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के सानिध्य में 10 अक्टूबर से प्रसिद्ध कथावाचक सुश्री जया किशोरी के मुखारविंद से भागवत कथा होने वाली है, जिसके लिए संजय शुक्ला ने कलेक्टर से लेकर पुलिस से अनुमति मांगी, लेकिन अब तक परमिशन नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संजय शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस का विधायक कथा करवा रहा है इसलिए अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ इशारों में संजय शुक्ला ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए, इंदौर में एक धार्मिक प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से मेरी विधानसभा में इतना बड़ा आयोजन नहीं होने के लिए मैं लगातार मेरे कार्यकर्ता लगातार 15 दिन से TI साहब से मिल रहे हैं, SDO साहब से मिल रहे हैं, SDM साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मैंने बात करी, सब कुछ करा, उसके बाद भी कोई परमिशन देने को तैयार नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है तो मुझे बिना पुलिस के सहयोग के ये कार्यक्रम नहीं हो सकता, तो मैंने निवेदन करा, उसके बावजूद भी आज भी नहीं दे रहे, मेरी परसों से मेरी कथा चालू होने वाली है तो मेरे परिसर ने नहीं दिया। आज मैं कमिश्नर साहब से मिलने आया था तो अभी उनने बोला है कि बोले हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, परंतु ना कलेक्टर साहब परमिशन दे रहे हैं मुझे, ना कमिश्नर साहब मुझे परमिशन दे रहे हैं, ना TI साहब परमिशन दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि ये कथा कांग्रेस का केंद्रीय विधायक करा रहा है और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जो हैं वो जो जानते हैं कि कौन रुकवा रहा है, ये इसलिए रुकवा रहे हैं कि एक नंबर विधानसभा में लगातार धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं जिससे जनता हमारी माताएं बहनें देखती हैं, परंतु उनको चुनाव के अंदर उनका नुकसान होगा तो इसलिए वो रोकना चाहते हैं, परंतु जनता जानती है कि क्यों क्यों रुका रहा है, रुकेगी नहीं, क्योंकि आप लोग भी धर्म के प्रोग्राम करते रहते हैं और आप एक कांग्रेस के द्वारा जो कार्यक्रम कराया जा रहा है रोकने जो कर रहे हैं वो जनता सहन नहीं करेगी, जनता इसका जवाब 23 तारीख को देगी। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव है, हम चाहते हैं जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन हम कलेक्टर साहब परमिशन ले लेंगे, परंतु आज तो पुलिस विभाग को परमिशन देना चाहिए, लगातार आज 7 तारीख हो गई है, 10 तारीख से मेरी कथा है, मुझे परमिशन नहीं दी गई, मैंने लगा एक महीने पहले आवेदन लगा दिया था परंतु वो परमिशन आज तक नहीं दी गई मेरे को, और अब वो कहते हैं हमको मालूम ही नहीं है कि आपकी कथा होने वाली है, मतलब ये कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है एक कथा के लिए जो इंदौर नहीं पूरा प्रदेश जानता है कि कथा बांट रही है। मैं लगातार एक महीना 7 दिन हो गए मुझे, मैं 1 तारीख से लगातार मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी विधानसभा में हम एक एक घर पर निमंत्रण देने जा रहे हैं, पूरे प्रदेश को मालूम है कि इतनी बड़ी कथा होने जा रही है, परंतु अधिकारी बोल रहे हैं हमको मालूम ही नहीं, ये मतलब कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। परमिशन नहीं मिलेगी तो हम प्रोग्राम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमको कानून हाथ में नहीं लेना है, हमको जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपने देखा होगा रोडों पे होर्डिंग लगा रखे हैं, इतने होर्डिंग लगे हैं विधानसभा एक के अंदर, परंतु अब नगर निगम को नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि इंदौर में स्वच्छता के लिए, जब कांग्रेसी होर्डिंग लगाते हैं, मैंने होर्डिंग लगाए तो वो सब होर्डिंग निकाल दिए गए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होर्डिंग नहीं निकल रहे, क्योंकि वो सब गुंडों के होर्डिंग है, जितने इंदौर शहर के गुंडे बदमाश हैं उन सब के होर्डिंग लगे हुए मेरी विधानसभा के अंदर, वो जनता देख रही है, इसका जवाब तो जनता देगी चुनाव के अंदर, मुझे कितना ही परेशान कर ले सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं होगा। मैं लगातार कमिश्नर साहब को मैं सवेरे से लगातार फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठाया, इसलिए मुझे यहाँ कमिश्नर साहब के पास आना पड़ा मेरे को, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कानून हम हमारा हाथ में लें। हमको थाने से ये बोला गया कि परमिशन आपको SDM साहब देंगे, कलेक्टर साहब देंगे, जब हमने उनसे बात करी तो उनने बोला हम परमिशन नहीं देंगे, जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद हम परमिशन देंगे, आज तो पुलिस विभाग आपका परमिशन देंगे। ये साहब साहब मेरे सामने आदरणीय कैलाश जी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुझसे डर रहे हैं कि ये कथा हो जाएगी तो जनता मेरे साथ हो जाएगी, जनता तो मेरे साथ है पहले से है, क्योंकि लगातार मैं 5 साल तक सेवा करी है, मैंने दुख हो या सुख हो या कोरोना काल हो या बाढ़ आए, मैं हर चीज़ हर उनके साथ में रहूं, मेरी विधानसभा में एक भी आदमी एक्सपायर होता है या एक भी शादी होती है या एक भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, किसी का बर्थडे होता है तो मैं जाता हूँ, मेरा बेटा जाता है या मेरी पत्नी जाती है, क्योंकि वो मेरा परिवार है। और आपने देखा होगा कल कैलाश जोगी जी ने क्या बोला है, नोट से बोट खरीदेंगे। कैलाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल लोगों की सेवा करी है, 5 साल लोगों के दुख और सुख में गया, अरे आपने मेरे विधानसभा के लोगों को 51,000 रुपये बोट की वैल्यू की इतनी कम हाकी आपने, जनता इसका जवाब देगी आपको, जो आप नोट से बोट खरीद रहे हैं, ये आपका जाहिर हो गया है कि आप
जनता से वोट नहीं मांग रहे, एक तरफ बोलते हैं मैं हेलीकॉप्टर, 5 हेलीकॉप्टर से मैं सभाएं करूँगा, 3 सभाएं करूँगा, ये उसका उदाहरण है कि वो चुनाव यहाँ एक नंबर से लड़ रहे हैं और नोट से उनके आदमी वो गुंडे बदमाश वोट खरीदेंगे, परंतु जनता इसका जवाब आपको देगी और अभी नहीं आपको जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन देगा। आप भले कितने भी गुंडे बदमाश लगा दीजिए परंतु जनता डरने वाली नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, वो बेटे के रूप में ही बेटा जीतेगा। क्यों जीतेगा बेटा? कि उस बेटे ने कोरोना काल में मरने से नहीं डरा और बाढ़ से नहीं डरा, और यहाँ तक कि कोई यात्रा, अयोध्या यात्रा आज तक 16 यात्रा किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आज तक नहीं कराई, वो मैंने कराई। क्योंकि मैं हिंदू धर्म में काम करता हूँ और हिंदू भगवान को मानता हूँ। उसके अलावा मैंने मथुरा यात्रा कराई, उसके अलावा मैंने रुद्र अभिषेक कराया, मैंने कथाएँ कराई, और मैंने ये कराया है वो गलत किया है तो मैं गलत करता रहूँगा, क्योंकि जनता मेरी भगवान है। जनता के लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ। आपने देखा हुआ मैं कोरोना में भी मरने से नहीं डरा। वहीं डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि विधायक संजय शुक्ला द्वारा आवेदन दिया गया है। डीसीपी ने बताया कि आयोजन के दौरान आचार संहिता प्रचलन में होगी, ऐसे में किसी भी परमिशन के लिए रिटर्निंग अधिकारी होता है। जी, इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 जो है, जो वहाँ के सिटिंग विधायक हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो कि 10 से 16 अक्टूबर का होने का संभवतः उनकी परमिशन के लिए वो आज आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया, उनको भी ये बताया गया कि उस समय संभवतः क्योंकि आचार संहिता प्रचलन में रहेगी तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो नोडल एजेंसी रहता है किसी भी प्रकार की परमिशन देने के लिए। तो उन्होंने जो अपना परमिशन के लिए आवेदन दिया है उसको अभी लिया गया है, उस पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।